दोस्तों, मेरा नाम है प्रियदर्शनी सिंह और आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज। बिग बॉस 13 में कल का अगर आप एपिसोड देखेंगे तो सना ने खुलेआम इस बात को बोल दिया है कि वो पारस को प्यार करती हैं। सिद्धार्थ शुक्ला वहीं पे खड़े थे और सिद्धार्थ शुक्ला आप जानते हैं कि थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा इनफैक्ट उनके अंदर एक मेल ईगो तो है ही। और सना को, सिद्धार्थ को ये पसंद नहीं था पहले भी कि सना पारस से बात करें, और खुलेआम इस तरीके के इजहार से कहीं ना कहीं वो हर्ट हुए हैं, सिद्धार्थ हर्ट हुए हैं। उन्होंने ये जताया नहीं है बट वो एक तरह से चुप हो गए, साइलेंट हो गए हैं। और जब आप साइलेंट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं किसी भी रिश्ते में, तो चिल्लाने से ज़्यादा आप हर्ट हैं, इसका मतलब कि क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला ने हमेशा शुरू से ही सना के लिए स्टैंड लिया है, सना उनकी प्रायोरिटी रही है, लेकिन सना का क्या गेम प्लान है समझ में नहीं आ रहा है। एंड यू नो फ्रैंकली, कल का एपिसोड देखने के बाद, आई मीन आई यूज्ड टू लाइक सना अ लॉट, बट फ्रैंकली कल का एपिसोड देखने के बाद सना की इज्जत कहीं ना कहीं मेरी नज़र में थोड़ी सी गिर गई है। लाइक शी इज़ रियली एक्टिंग लाइक अ एक स्टॉकर नहीं होता। जब मायरा और पारस के बीच में क्लियर है चीज़ें, तो आई डोंट नो कि आप क्या, आपका गेम प्लान क्या है, लेकिन आप इस पूरे गेम प्लान में बहुत छोटी दिखाई दे रही हैं, बहुत घटिया दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप स्टॉकर हैं, ऐसा लग रहा है कि आप रिश्तों के लिए आप लॉयल नहीं हैं। अब इसमें बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि अरे उसने तो कभी बोला ही नहीं कि वो सिद्धार्थ को प्यार करती है, बट अगर वो नहीं बोला है तो आप एक दोस्त के साथ इस तरीके की कोजीनेस कैसे रख सकते हैं, जिस किस्म की कोजीनेस सना ने रखी हुई है सिद्धार्थ के साथ। इसका मतलब कि वो दोनों नावों में बहना चाहती है और रहना चाहती है, चाहती है कि सिद्धार्थ भी मिले एंड पारस भी मिले, तो ऐसे नहीं चलता, आप दो नावों में सवार नहीं हो सकते हैं। लोग मुझे ये भी बोलेंगे कि सना बहुत इनोसेंट है, क्यूट है, बच्ची जैसी है। सना की उम्र 26 साल है और 26 साल में कोई बच्ची नहीं होता, चार बच्चों की माँ बन सकता है, तो इसलिए ये कोई बचपना नहीं है, ये कोई गेम प्लान है। वो जानती है कि ये दोनों बहुत स्ट्रांग प्लेयर हैं और पारस के प्रति उनका बहुत ज़्यादा क्रश है, तो क्रश है तो आप सिद्धार्थ को इमोशनली क्यों एक्सप्लॉइट कर रहे हो। यहाँ पे ये साफ पता लग रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला को सना शहनाज गिल इमोशनली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है। वो कुचू पुचू क्यूटी क्यूटी अब बहुत ही फेक लग रहा था और घटिया लग रहा था। सो आई डिड नॉट लाइक सनाज एटीट्यूड यस्टरडे, इट वॉज हर्टिंग, इट वॉज बैड। ऐसा नहीं है कि कोई मैं सिडनास की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति को इमोशनली एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट मैं पारस को इस बात पे अप्रिशिएट करती हूँ कि अगर वो मायरा के साथ है तो वो बोल रहा है कि हाँ मैं मायरा के साथ हूँ, उसमें उसने कोई यू नो बिट अराउंड द बुश करने की हरकतें नहीं की हैं। उसका क्लियर है कि मायरा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है और सना मेरी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कोई भी प्रायोरिटी है, एंड आई थिंक दैट इज़ क्लियर, दैट इज़ हाउ इट शुड बी। सो सना, यू नीड टू वेकन अप एंड बकल अप एंड अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करो, क्योंकि अब ये सना सिद्धार्थ पारस, पारस सिद्धार्थ, पारस सिद्धार्थ नहीं चलेगा। अब गेम उस मोड़ पे आ गई है कि जहाँ पे आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा, इधर पारस इधर सिद्धार्थ।